और जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है तो बार बार मुख्यमंत्री जी का इस बात को कहना मुझे लगता है कि कोई बच्चा या जिसको ज्ञान नहीं है संविधान का कानून का वही इस प्रकार की बचकाना बातें कर। सर, ये आरक्षण का मुद्दा फिर से एक सुगबुगाहट में आ रहा है। इस पर राज्यपाल ने साफ कह दिया है ये पॉलिटिकल मुद्दा है, इस टॉपिक पर चर्चा सीधे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से करनी चाहिए। निश्चित रूप से कोई आरक्षण का जो विधेयक है वो विधेयक राज्यपाल जी ने नहीं लाया है, वो मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने लाया है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो संविधान के अनुरूप काम करे, और जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है तो बार बार मुख्यमंत्री जी का इस बात को कहना मुझे लगता है कि कोई बच्चा या जिसको ज्ञान नहीं है संविधान का कानून का वही इस प्रकार की बचकाना बातें करेगा। और मेरा तो कहना है कि पिछले 6 महीने से छत्तीसगढ़ के नौजवानों का भविष्य अंधकार में हो गया है। जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो नहीं हो रही हैं, नौकरियों में भर्तियां नहीं हो रही हैं, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं होता है तब तक पुराने आरक्षण के आधार पर भर्तियां होनी चाहिए, और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा उस दिन नए आरक्षण के आधार पर करें अगर आपके पक्ष में फैसला आता है। तो मुख्यमंत्री जी बार बार पूरे प्रदेश के आदिवासियों को, अनुसूचित जाति को, पिछड़े वर्ग को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं तो कहूंगा गुमराह ही नहीं बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जनता इसको समझ रही है, वो इसको मानने वाली नहीं है, वो 2023 के चुनाव में इनको सबक सिखाएगी।